पटना में जेडीयू और बीजेपी नेताओं के बीच बंद कमरे में आधे घंटे तक हुई गुफ्तगू। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार और विधान परिषद सीटों के बंटवारे पर हुई चर्चा। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगाया जनता दरबार, जहां सीएम ने लोगों से की मुलाकात। इस दौरान सीएम ने लोगों की समस्याओं को सुनकर जल्द समाधान की बात कही। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के काफिले को रोकने वाला मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने किया सरेंडर। इस दौरान कोर्ट में मचा भारी हंगामा। वहीं भैरव सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। टोरगंज चौक में जो घटना घटी है उसके बारे में सबको जो बात कर रहे हैं वो एकदम गलत है, बेबुनियाद है। हमारी जो बहन की हत्या हुई है और मांझी में, मैं उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन करने के लिए रोड में उतरा था। लातेहार जिला के महुआडाड प्रखंड कार्यालय में राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी ने दिया धरना प्रदर्शन। बता दें, राज्य में दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार को सख्त निर्देश देने के संबंध में किया गया धरना प्रदर्शन। भगवान की जो जाता सरकार है ना, हेमंत सोरेन, उसके प्रति हम लोग को बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि हम महिलाओं पर आए दिन अत्याचार जो हो रहा है, ये हम लोग से बर्दाश्त से बाहर की बात है। फिलहाल की घटना को लेकर अगर हम लोग चले ना, तो अभी फिलहाल में जो मांझी के जंगल में जो लाश मिली। रांची में पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान उन्होंने किसान बजट को लेकर हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। वर्तमान सरकार जो झूठी थपथपाने का काम कर रही है कि हम जो है 2000 करोड़ रुपया लोन हम माफ करने जा रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में देखें तो 2 लाख तक का लोन का माफी का सरकार ने वादे किए थे और लोन माफी भी एक बार। सीतामढ़ी के बीजेपी विधायक ने सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर उठाए सवाल, कहा भैंस धोने के काम आता है नल जल का पानी। आवश्यकता है, मेंटेनेंस की आवश्यकता है। अब लोग उसको भैंस धोने का काम में इस्तेमाल करते हैं, उस पानी को पीने का तो हमको नहीं लगता है कि कोई पीता होगा पानी। तो इस तरह की चीजें हैं, ये लोगों में भ्रांतियां भी है कि भाई हम वो पानी जो है उसमें काई लग जाता है, क्या बोलते हैं टंकी में। बिहार विधान परिषद के 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव का ऐलान। 28 जनवरी को इन 2 सीटों के लिए होगा चुनाव। वहीं इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का भी दिया गया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद कांके डैम को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई हुई तेज। अतिक्रमण हटाए जाने का लोगों ने किया विरोध। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड सह अंचल कार्यालय का डीसी इकबाल आलम ने किया औचक निरीक्षण। इस दौरान वीडियो और अंचल अधिकारी ने अंचल और प्रखंड के कार्यों की डीसी इकबाल आलम को दी जानकारी। नौका चलाने के लिए बोट रूल में नियम है कि आपको लाइसेंस लेना है। मोटरेबल बोट या चप्पू से भी जो बोट चलाते हैं उसको चलाने के लिए बोट रूल के तहत लाइसेंस लेना आवश्यक है। इसके लिए सक्षम प्राधिकार वीडियो है। जमशेदपुर के पोटका में डीलर एसोसिएशन की तरफ से प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। इस दौरान आधार सीटिंग को लेकर की गई चर्चा। चाईबासा में मालगाड़ी के कपलिंग में काम कर रहे रेलवे कर्मचारी को लगी टक्कर। हादसे में रेल कर्मी बुरी तरह हुआ जख्मी। वहीं घायल को इलाज के लिए चिकित्सा केंद्र में कराया गया भर्ती। बिजली के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने को एक बार फिर से तैयार है बिहार। कटिहार के कोढ़ा में 765 kV उच्च क्षमता का सुपर ग्रिड का किया जा रहा है निर्माण। जमुई में नेहरू युवा केंद्र ने चलाया जल संचय कार्यक्रम। इस दौरान तमाम पदाधिकारियों ने जल संरक्षण करने का लिया शपथ। कार्यक्रम में संगठन के सदस्य सहित अन्य पदाधिकारी भी रहे मौजूद। नालंदा में निवेशकों के करोड़ों रुपए गबन करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आक्रोशित लोगों ने चेयरमैन के घर के पास किया हंगामा। मौके पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद पुलिस। सीतामढ़ी में जमीन विवाद में एक शख्स को लगी गोली। जख्मी शख्स को इलाज के लिए जिले के निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां उसकी हालत नाजुक। बेगूसराय में कोरोना संक्रमित से टीचर की मौत, जिसके बाद शिक्षक संघ ने डीईओ से की स्कूल को बंद करने की मांग। चाईबासा में उपायुक्त की अध्यक्षता में समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग की जिला स्तरीय समन्वय बैठक का हुआ आयोजन। वहीं बताया गया कि कल कोविड वैक्सीन दिए जाने के संबंध में ड्राई रन का आयोजन होगा। लातेहार के चंदवा में 6 महीने के अंदर जल मीनार हुआ खराब। वहीं इस कारण ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है खासी परेशानी। जमशेदपुर में वन प्रमंडल पदाधिकारी ने सूचना के आधार पर धमाके स्थित भारत सेवा श्रम के पीछे अवैध लकड़ी भंडार पर की छापेमारी। इस दौरान मौके से 5 ट्रैक्टर लकड़ी को किया गया बरामद।
चाईबासा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पोसैता बाजार में राशन लेने आए नक्सली को पुलिस ने पकड़ कर भेजा जेल। दरभंगा में किसान बिल को लेकर भाकपा माले बैठे अनिश्चितकालीन धरना पर, इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने लगाए सरकार विरोधी नारे। जहानाबाद में किसानों की समस्या को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा समाहरणालय में अनिश्चितकालीन धरना का किया गया आयोजन। इस दौरान घूसी विधायक रामबली यादव ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। अरवल के तिलपा गांव में खलिहान में आग लगने से धान की फसल जलकर राख, मौके पर पहुंचे डीएम ने मुआवजा देने का किया ऐलान। सहरसा में महाराणा प्रताप चौक से पंचवटी चौक जाने वाली मार्ग में अतिक्रमणकारियों ने एसडीओ ने सख्त निर्देश देते हुए 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश। सीतामढ़ी जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया, इस दौरान वो बच्चों को पढ़ाते भी नजर आईं। सहरसा में समाज सेवी सरिता स्लम बस्तियों में महिलाओं को मास्क और सैनिटाइजर बनाना सिखा रही है, सरिता की इस पहल से महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। जमशेदपुर के बोडगा प्रखंड के झरिया सबर बस्ती में सड़क नहीं रहने के मामले पर उपायुक्त सूरज कुमार ने लिया संज्ञान का, हर संभव सुविधा मुहैया कराई जाएगी। लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड के छिपादोहर नगर में विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष मुन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक का किया गया आयोजन। इस दौरान राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह को लेकर की गई चर्चा।